तक सूरज की सिर्फ 1% रोशनी पहुंचती है, जो पौधों के जिंदा रहने के लिए काफी नहीं है। तीसरी और सबसे गहरी परत बेफोटिक जोन या मिडनाइट जोन है। यहाँ सूरज की रोशनी बिल्कुल नहीं पहुंचती। ये परत पूरी तरह से अंधेरी और ठंडी होती है, बिल्कुल किसी हॉरर मूवी के सीन जैसे। ये कई जगह पर इतनी गहरी होती है कि यहाँ आसानी से माउंट एवरेस्ट जैसे ऊंचे पहाड़ भी समा सकते हैं। और इसकी सबसे गहरी जगह है प्रशांत महासागर में मरियाना ट्रेंच। महाद्वीपीय तटों के साथ लगे इतने समुद्री इलाकों तक पहुंचना आसान है, लेकिन ये समुद्र का सिर्फ 10% है। समुद्र की गहराई जितनी बढ़ती जाती है, उतने ही वहां के हैरत अंगेज जीव जिन तक पहुंचना मुश्किल होता जाता है। ये समुद्री जीव पहले तो अपनी खूबसूरती से आपको छलते हैं और फिर अचानक एक खतरनाक रूप ले लेते हैं, जिनसे बचना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। और ये क्या, अचानक ये रोशनी कहाँ से है? ओहो, ये तो जेली फिश का झुंड है, जिनकी रोशनी एकदम डिस्को लाइट की तरह लगती है। वाह, ये बिना बात अब सभी बड़ी छोटी मछलियां एक चमचमाती डिस्को लाइट को देखकर पार्टी करने आएंगी। और रोशनी से पहुंचकर इनका शिकार करके अंधेरे में वापस गायब हो जाएगी। लेकिन सभी शिकारियों को छलावी से लुभाना नहीं पड़ता। सबसे घातक शिकारियों में से है शार्क, जैसे ग्रेट व्हाइट और टाइगर शार्क। शार्क आमतौर पर सूरज ढलने के बाद अंधेरे में शिकार पे निकलती है समुद्री जीवों का यमराज। आज तक शार्क की 500 से ज्यादा प्रजातियों का पता चल चुका है। ये हर तरह के खुले महासागरों में, मूंगी की चट्टानों में, आर्कटिक की बर्फ के नीचे और समुद्र की अंधेरी गहराइयों में पाई जाती है। और ये है समुद्री घोड़ा, जो तबड़क तबड़क नहीं छप 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 करता है, यानी दौड़ता नहीं तैरता है। हमने इन समुद्रों के बारे में बहुत कुछ जाना है, पर अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है। ये सागर गहरे और विशाल, ठंडे और अंधेरे में डूबे होते हैं। इन गहराइयों में पनपने वाली 17,000 से अधिक प्रजातियां मानो किसी कल्पना से कम नहीं। किसी खूबसूरत एंजल की तरह दिखने वाले जीवों के साथ साथ न जाने और क्या क्या देखने को मिले। इन विशाल सागरों के इकोसिस्टम इनके बाहर तक फैले हैं। खारे पानी की खाड़ियां समुद्रों, समुद्र तटों और नमकीन दलदली इलाकों तक। मानव जाति दशकों से प्लास्टिक, जहरीले रसायन, तेल और ऐसी कई चीजों को पानी में बहाकर समुद्रों को नुकसान पहुंचा रही है। कई समुद्री जीवों या मछलियों की दर्दनाक मौत और उनकी इस तड़प का जिम्मेदार हमारी मानव जाति ही है। पिछले कुछ दशकों में वैज्ञानिक पैमाने पर सामने आए खतरों में से एक बड़ा जलवायु परिवर्तन है, जिससे महासागर गर्म हो रहे हैं और ग्रीन हाउस गैसों की अधिकता और ऑक्सीजन की कमी के कारण इन समुद्रों का अम्लीकरण हो रहा है। सागरों के इस तरह गर्म होने से पानी का स्तर बढ़ गया है और बर्फ के साथ छोटा कदम उठा सकते हैं।